सो मेरी दुआ है अल्लाह से कि आप सभी का नया साल बहुत अच्छा निकले, और जिस जिसकी जो भी दिली तमन्ना है अल्लाह पाक सभी को पूरी करे, और आप सब लोग खूब खुश रहें, आपके घरों में खूब खूब खुशियाँ आएं, और बच्चे खूब कामयाबी हासिल करें। तो और आज का हमारा प्लान प्लान ये है कि मम्मा को हमने इनवाइट करा है, हम डेली ही जाते हैं मम्मी के घर, तो मैंने मम्मी को, भाभी को, सिस्टर को इनवाइट करा है, भाई भी आएगा छोटे वाला, क्योंकि बड़े वाला तो जैसलमेर गया हुआ है तो सेलिब्रेट करने के लिए, तो आज वो आएंगे। आई नून को 5 बजे का टाइम दे कर आई है, तो उससे पहले पहले मुझे घर के काम निपटाने हैं, नहाना है, और थोड़ा सा सामान वगैरह भी लेना है मुझे, और इसके बाद फिर डिनर की तैयारी भी करनी है। तो आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। और आज मुझे नहाने में हो गया लेट, और क्योंकि सारे घर के काम करे हैं, मम्मी यार को इनवाइट किया है, वो लोग आएंगे 5 बजे तक, बज गए हैं 3:30, और किचन में भी मुझको प्रिपरेशन करनी है डिनर की। और ये मैंने आज घर क्लीन करने में काफ़ी टाइम लग गया। आई थी फ्रेंड और उसकी मम्मा उसको लेने के लिए आई थी, तो मैं उनको बाहर सी ऑफ करके आई हूँ। और आज इन बच्चों ने, शुक्र है कि सारा ड्राइंग रूम नहीं फैलाया है, वरना ये ऑलमोस्ट सारा ड्राइंग रूम फैला देते हैं। आज मैंने सारा क्लीन करा है, ये रहा इनका म्यूज़िक सिस्टम, और ये सारे कर्टेन मैंने दोबारा से लगाए वॉश करके। आज काफ़ी काम हो गया मुझे, और उसके बाद शाम को देखते हैं हमारी पार्टी कैसी रहती है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, हमारा आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप देखिएगा हमारा ब्लॉग। और मम्मी आएंगी, वैसे मम्मी कभी आती नहीं है, लेकिन कभी कभी बाई चांस कभी कभी आती है, आज आएंगी मम्मी, तो अच्छा लगेगा मुझे भी। अल्ताफ तो गया हुआ है जैसलमेर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, और सोहेल मम्मा को, सोहेल सोहेल मेरा छोटा भाई है, सोहेल को बोला था मैंने, मम्मी को, नीलू को, रूही को, सोनम का तो कम ही आना होता है, सोनम भी मेरी सिस्टर है, हम 3 सिस्टर हैं और 2 ब्रदर हैं, और एक भाभी है हमारी नीलू, जैसे जो मतलब आप सुनते ही रहते हो मेरे मुंह से उसका नाम। तो आज वो आएंगे, और उसके बाद हम मज़े करेंगे, साथ में डिनर करेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि बाहर बच्चों को ले जाना सही नहीं है, फिर मैं किसी दिन ले जाऊंगी बच्चों को, क्योंकि उस दिन अल्ताफ की एनिवर्सरी थी तो ये लोग बाहर गए थे, तो मैंने सोचा कि घर में कर लेते हैं। तो आज ये करेंगे घर में पार्टी अपनी, और मज़े भी आएंगे। सो अब मैं जा रही हूँ किचन में फिर से, मुझको उबालने हैं आलू, और ये मेरी आलू की टोकरी, और मैंने इसमें से आलू निकाल लिए हैं, और इनको ओवन में उबालने के लिए रखूँगी अभी। सो आलू मैंने वॉश कर लिए हैं, और मैं इनको रखने जा रही हूँ ओवन में, ये उबल जाएंगे आलू। मैंने कर दी हूँ टाइमर, 5 मिनट का टाइमर लगा दिया है मैंने। और गाइस मैं एक बार जाऊंगी वॉशिंग एरिया में, मैंने मैट और वॉश करे हैं वो सूख गए होंगे, और मैंने यहाँ पे आके क्या देखती हूँ कि डुगू रजाई में लेटा हुआ है, इसकी तबीयत हो रही है डाउन। क्या हुआ डुगू? इसको खांसी हो रही है, दवाई इसको मैं दे चुकी हूँ, वही आपको मैंने पहले भी बताया था कि स्वेटर वगैरह जो है ये कम पहनता है और जल्दी से उतार के रख देता है, तो मैं मैट और ले आती हूँ वॉशिंग एरिया में से जाके। सो गाइज ये मैंने नए कप लगा दिए हैं, सेट कर दिए हैं, और अब मैं इसको रख देती हूँ उठा के, मैं लेके आई थी, काफ़ी टाइम हो गया मार्केट से ले हुए इसको, तो अब मैंने हैंग कर दिए हैं, क्योंकि मेरे जो कप्स है ना वो बहुत ज़्यादा। सो गाइज शाम के बज चुके हैं 6, और मेरी आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन डिनर की हो चुकी है, और मैं बनाऊँगी अब अपने लिए चाय, चाय पी के उसके बाद मैं पूरियों का आटा गूंदूंगी। सो यहाँ पे बन चुकी है मेरी चाय, और मैंने उसके साथ साथ दूध भी रख दिया था, और दूध भी उबलने वाला है, तो मेरे दोनों ही काम हो गए हैं। सो गाइज मैं जा रही हूँ अंदर, और डुगू को भी चाय पिलाऊंगी, इसकी तबीयत भी मुझे ठीक लग नहीं रही है, ये इसकी तबीयत थोड़ी डाउन है, तो कह रहा है कि मम्मा मैं भी चाय पीऊँगा, और मैं इसके लिए भी चाय लेके आ गई हूँ, और किचन में खड़े खड़े पैर दुख गए मेरे। कैसा फील हो रहा है अब?
डॉक्टर के चले। नहीं अभी तो गाइस फाहर और उसकी मम्मा आ चुके हैं और मेरी मम्मा और नीलू आने वाले हैं। अभी ये देखो टेडी बियर से खेलने लग गया है। मैं बोल रही थी ना कि खेलेंगे आते ही, तो मैंने इनके मारे वॉश करके पहले ही रख दिए थे कि उसमें थोड़ा सा डस्ट था तो मुझे लगा कि वॉश कर देती हूँ तो बच्चे खेलेंगे तो अच्छा रहेगा, हाइजीनिक भी है, हो जाता है। नू भी पूरी हो चुकी है रेडी एकदम। तो आइनू आप किसका वेट कर रहे हो? ओके सो गाइस मम्मी भी आ गई हैं और मैं उनके लिए जा रही हूँ पानी। और मैं किचन में थी जैसे ही आए, तो जब ये डोर पे आए तो मैं बना नहीं पाई। मेरे मम्मी मेरा बेटा आरिफ से हेलो, आरिफ एवरीवन से हैप्पी न्यू ईयर। गाड़ी आते आते ना, गाड़ी है बच्चों की तो खेलने लग गई है। तो गाइस हमारे घर पे लोग आ चुके हैं, अब हमारे घर पे आए गेस्ट, तो इनका वेलकम बहुत अच्छे से करेंगे। हम बहुत अच्छे लोग हैं गाइस, अच्छे लोग हैं। मैंने पूछा कि मम्मी से क्या लोगे, कॉफी या चाय, तो मम्मी कह रही है कॉफी और नीलू पिएगी चाय, तो मैं कॉफी और चाय दोनों बना देती हूँ। जैसी मम्मी आई है ना, तो इन बच्चों ने ले लिए मम्मी से पैसे और सबकी तैयारी है, चीज लेने जा रहे हैं। और ये सबसे पहले आया है आरिफ। आरिफ कहाँ जा रहे हो? फिर आया है चीची। आरिफ देखो पहले निकलने की कोशिश कर रहा है दरवाजे से, सोच रहा है कि मैं चीज ले आऊं जल्दी से। और गाइस आरिज आ गया है किचन में और ये मेरे से मांग रहा था चॉकलेट और मैंने इसको दे दी। आरिज चॉकलेट दिखाओ, चॉकलेट दिखाओ। अच्छा प्यार कर दो फुप्पो को, प्यार कर दो। शोना शोना पा, ओके ये ऐसे प्यार करता है मुझको। गाइस यहाँ मेरी चाय और कॉफी हो गई है रेडी और अब मैं लेके जाती हूँ अंदर। और उसके बाद दुगो दुगो आगे आओ, इनकी आवाज आवाज सब ले लो। हैप्पी न्यू ईयर आरिस। कैंडल हमारी गिर गई है, केक कट करो अब। आरिस क्लैपिंग, आरिस क्लैपिंग करो, आरिस क्लैपिंग करो। मैं भी तो ऑर्गेनाइजर हूँ, मुझे भी तो केक खिला दो कोई। क्या तुम रुकते क्यों नहीं हो? सही लग रहा है ना पूरा डाल के? ले चाय पीसना वाला वाला हो गया, तो खिलाएंगे खिला में बदतमीजी नहीं। अब मम्मा को खिलाएंगे। क्लैपिंग नहीं कर बेटा तूने, आलू क्लैपिंग कर दो। ओए ओए नहीं 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 खाओ नहीं इसको, ला किचन में। और सब्जी की गैस बंद करनी है, सब्जी भी बन गई है, खीर भी बन गई है, पूरी का आटा भी गूंद गया है और बस सैलेड बनाना रहता है। तो यहाँ मैंने गैस कर दी है बंद और बस अब सैलेड का काम है। फिर सोहेला जाएगा तो फिर हम लोग करेंगे डिनर। और ये डुकू की तबीयत थोड़ी डाउन है, खीर लेनी है। लो खीर खाओगे तुम? लो कट, मम्मा कट रहे हो नीचे से, मैं आपको खीर देती हूँ। डुकू खीर खाने के लिए बोल रहा है, खीर देती हूँ मैं। ये लो डुकू, गाइस तो डिनर हो चुका है रेडी। और इस आरिफ कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ और अब ये मम्मी को लेने के लिए आ गया है, कह रहा है कि चलो। आरिफ मम्मा को लेके जाना है, आरिफ
सुनो, मम्मा को लेके जाना है आपको, मम्मा को लेके जा रहे हो? हैं? बाय। मुझसे भी जाएगी खाना। डायपर कहाँ गए? लेट आया हम। और खाना भी खाना। डायपर उठा। ये मन कर रहा है कि मुझको भी उठाएगा खाना। बाहर को लग गई है भूख और इसको देना है खाना। और ये हमारे यहाँ पे बस पूरियाँ सिकनी रहेगी है, तेल हो गया है गरम और अब हम पूरियाँ सेकते हैं। तो गाइस जैसा कि आपको पता है यहाँ पे मैंने बनाया है आलू का झोल, पूरी, सैलेड, खीर और थोड़े पनीर के स्टार्टर्स, तो ये सब मैंने बनाए हैं। और वो आ गया सोहेल, सोहेल आया है अब, लेट हो गया ये थोड़ा सा। ये आ गया है सोहेल। हेलो सोहेल, हैप्पी न्यू ईयर, आ जाओ खाना डाल ले प्लेट में। तो मैं आके बैठ गई डुगू के पास। देख उसको लगा कि मैं उससे कह रही थी कि खाना खा रहा है। डुगू कैसे लगा? पूरी अच्छा है। मैं जा रही हूं मम्मा के पास। फहर आओ, आप खाना नहीं खा रहे, क्या बात है? तो गाइस डिनर हो चुका है और यहाँ मैंने बनाई है खीर, तो मैं सबको टेस्ट कराऊंगी खीर और सब मुझे बताएंगे कि कैसी बनी है। तो यहाँ इन बीच में अड़की है इसलिए मेरे से फ़ोन हिल गया, लो भाई खीर। मैं नहीं खा रही हूँ। नहीं लेनी तो पड़ेगी, थोड़ी सी टेस्ट करना पड़ेगा। अरे और कम कर दे फिर, पहन लेना। अरे यार जल्दी फूटी दो चम्मच लगा ले, देख लेना एक बार, ले लो इसमें से, लो उसमें डाल। तो मम्मी खीर खा नहीं रही है और मैं आ रही हूँ, कह रही हैं कि मैं कम खाऊंगी खीर, उनको शुगर की भी प्रॉब्लम है मम्मी को, कह रही है कि मैं सिर्फ दो चम्मच टेस्ट करूंगी। सो गाइस सबको खाना खिला के अब मेरे को खाना खाने का टाइम मिला है, तो मैं खाना करके लाई हूँ प्लेट में और मैं अब खाना खा रही हूँ। और 10:30 बज चुके हैं, मासी जा चुकी है, बड़ा हेडेक रहा मेरा, और मैं मिलती हूँ फिर आपसे खाना खाने के बाद। मम्मी अभी जा रहे हैं और आरिस भी जा रहे हैं, निकल रहे हैं। बाय आरिस, हैप्पी न्यू ईयर। अब मम्मी नहीं जा रही, ये मम्मी का पर्स ले रहा है ना डुक्कू, तो आरिस कह रहा है कि नहीं लेना मम्मा का पर्स। तो भाई ये जा रहे हैं अब, बाय बाय कर दो आरिस, बाय मम्मी, बाय नीलू, चलो चलो चलो। तो गाइस हम यही भाषण ड्रॉप कर, डुक्कू इसको मत परेशान करो आरिस को, आई आई आ जा बेटा, चलो बाय सोहेल। सो गाइस रात के बज चुके हैं 12 और सारे घर वाले जा चुके हैं, वो लोग आए, बड़ा अच्छा लगा, स्पेशल सा दिन गुजरा आज मेरा, और बहुत सारा काम भी रहा घर में, हेडेक पूरा डे रहा जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और बाकी न्यू ईयर सेलिब्रेशन अच्छा रहा बच्चों के साथ में, क्योंकि मैं बाहर न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करती हूँ तो मुझे घर में ही करना बेहतर लगा बच्चों के लिए। तो आज का ब्लॉग मैं ही एंड करती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और खुश रहिए, अच्छे से रहिए।